पटवारी अहदे नूं लै के आम आदमी पार्टी दे बरनाला तों विधायक गुरमीत सिंह मीथेयर वल्लों बरनाला डीसी नूं मंग पत्र सौंपिया गया। बेरोजगारी नूं लै के विधायक मीथेयर ने पंजाब सरकार ते निशाना साधिया। पंजाब सरकार वल्लों पटवारियों की 1090 पोस्टां कढ़ियां गईयां, पर इस नौकरी नूं पाउण लई 2,33,000 नौजवानों ने पेपर दिता। जे इन्नी वड्डी पंजाब विच बेरोजगारी दिखाई दे रही है तो पंजाब सरकार पटवारियों दा अहुदे ते रिटायर्ड लोगों की भर्ती क्यों कर रही है, सवाल चुके गए ने ते बरनाला डीसी नूं पत्र सौंपिया गया। उन्हां नाल साडा कोई विरोध नहीं, क्योंकि अज पंजाब इदां दा सूबा है जिथे सब तो जिहड़ी वध बेरोजगारी है। अज नहरां च छाला मार रहे पंजाब दे नौजवान, अज टैंकी ते चढ़ रहे पंजाब दे नौजवान, अज सल्फास दीआं गोलियां नौकरियां ना मिल के खा रहे है जिहड़े पंजाब दे नौजवान, अज जहाजे चढ़ चढ़ के नौकरियां दी भाल लई बाहर जा रहे पंजाब दे नौजवान। ते तुसीं वादा पंजाब दे नौजवानां नाल कीता सीगा कि कैप्टन ने सौ चक्की हर घर नौकरी पक्की, ये तो नहीं किया भी कैप्टन ने सौ चक्की हर टैड बंदे की नौकरी पक्की। यार थोड़े बेरोजगारी इन्नी वधी हुई है, तुसी हिसाब लाओ कि जो आप पिछे पटवारियों दी पोस्टा निकलियां जिदे संबंध च असीं मंग पत्र दे के आए हैं 1090 पोस्टा कढ़दे आ, हालांकि उदों भी सारियां पटवार यूनियनां ने, क्योंकि पंजाब च 8,000 पिंड इदां दा जिथे पटवारी है नहीं गे। उदों मंग की सी भी भाई घट्टो घट 3,000 जिहड़ियां पटवारी दीआं पोस्टा कढ़ो तां कि जिहड़ियां खाली पईआं सामियां ने पूरियां हो सकन। पर पता नहीं किहड़े इदां दे महान सलाहकार ने इन्हां दे बलिहारे जाई उन्हां दे जिहड़े मुख्यमंत्री साहब नूं सरकार नूं इदां दी सलाह दिंदे आ। 1090 पोस्टां कढ़ियां, तुसीं देखिया होणा वी 2,33,000 बच्चे ने अपलाई कीता, ते पेपर वाले दिन अपने बरनाले पेपर होया सी 150-150 जवाक बिचे साडियां बच्चियां बिचे बच्चे पंजाब दे नौजवान मुंडे कुड़ियां बसां ते चढ़ चढ़ के पेपर देण गए, ते तुसीं 1090 पोस्टा कढ़ते हो 2,33,000 जिहड़ा बच्चा वह पेपर दे रहे है जदों 3,000 की डिमांड सी। असीं यही कहने आ जे थोनू पता है भी 3,000 की डिमांड सी, तुसीं उहदे विच ही जिहड़ियां हुण कह रहे हो भी कंट्रैक्ट बेसिस ते पटवारी रखणे जिहड़े पहलां रिटायर हो गए उहदे विच ही एडिशन कर लो। सो यही अज असीं जिहड़ी मंग पत्र आ उह देण आयांगे कि जिहड़े हुण तुसीं कंट्रैक्ट बेसिस ते पटवारी रखण नूं कहणे हो भी 1,766 जिहड़े आ कंट्रैक्ट बेसिस ते रखणे आ, जदों एड्डी वड्डी बेरोजगारी है 2,33,000 बच्चा पेपर दे रहा वो हजे पेपर मुकम्मल नहीं होया उहदा पेपर 2 होना है, कि 1,766 उहदे विच ही नोटिफाई करके जिहड़ियां एडिशन पोस्टां ने 1090 दे विच 1,766 उहदे विच ही जोड़ियां जाण तां कि जिहड़े पंजाब दे नौजवान बेरोजगार ने उन्हां नूं जिहड़ा मौका मिल सके। हाँ जे थोड़ी कोई रिटायर रिक्वायरमेंट आ तुसीं कहणो वी भाई सानू एक्सपीरियंस बंदे चाहिए आ पटवारी, तां तुसीं इन्हां नूं साडा कोई आ जिहड़े नवें जिहड़े रिटायर्ड कन्नगो पटवारी द्वारा लगन नूं फिरदे आ साडा कोई उन्हां नाल विरोध नहीं, उन्हां नूं वी रख लो, पर पहलां 1,766 नवीआं जिहड़ियां पोस्टां ने ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੀ ਰੱਖੋ 2 ਸਾਲ ਰੱਖੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 1090 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 1,766 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੋਮਾ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਸਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਠਾ ਹੈ।